शहर की हद से बाहर फौरन। एक शर्त पे जाने की इजाजत दे सकता हूं अमजद मियां। क्या? आइंदा कभी बसरे का रुख नहीं करोगे। तुम क्या यहां के हाकिम हो? मैं ना हाकिम हूं ना गुलाम, लेकिन वो इंसान जरूर हूं जो अपनी आंखों के सामने जुल्म होते बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो क्या इरादा है, हमेशा के लिए शहर छोड़कर जाना चाहते हो या दुनिया से? शहर। तौबा करो। तौबा सोबा तौबा। हटो। लो हसीना, मेरी वजह से तुम गुलाम बनी थी, अब तुम आजाद। आपका क्या ख्याल है, आपके कहने से मैं आजाद हो जाऊंगी? मेरे कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कल भाग रही थी वैसे आज भाग जाओ। कल जो बात थी वो आज नहीं। कल क्या बात थी? कल तक बसरे में मुझे कोई नहीं जानता था, मैं कहीं भी रह सकती थी, कहीं भी जा सकती थी। आज वो बात नहीं, मैं सरे बाजार बिक चुकी हूं। हाकिम आला ने मुझे गुलाम करार दे दिया है। अभी अभी कहवा खाने में मेरा नाच हुआ है, इसलिए मुझे पहचानने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि बचना नामुमकिन है। परिंदे के जब पर कट जाते हैं तो उसके लिए पिंजरे से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं होती। आपका शुक्रिया। लेकिन मैंने तो फैसला किया है कि तुम्हें गुलाम नहीं रहने दूंगा। गुलाम सिर्फ मैं ही नहीं हूं, मुझ जैसी बदकिस्मत लड़कियां और भी बहुत हैं। फैसला तो मैंने सबके लिए किया है, इब्तिदा तुमसे करना चाहता हूं। क्यों, मुझसे क्यों? यूं ही समझ लो कोई चीज दिल को भा गई। काम क्या करते हैं आप? लकड़ा रहा हूं। तो फिर आपके बस का मर्ज नहीं। गुलामों को आजादी जोर और जबरदस्ती से नहीं, सोने और चांदी के सिक्कों से मिल सकती है, जो आप जैसे दीवानों के पास नहीं। खुदा हाफिज। बहादुर, सिम सिम खुल जा, सिम सिम बंद हो जा, सिम सिम Thank you.
सिमसिम। बंद हो जा सिमसिम। बंद हो जा सिमसिम। मकसद हो घर तेरा जायज है फिर तेरे लिए ये लूट कमाल खजाना है तेरा ये ईमान नहीं तुझ पर ये इल्जाम हर कोने में पहुंचा दो ये अल्लाह का पैगाम आए जो किसी के काम हो आए जो किसी के काम जीना है उसी का नाम आए जो किसी के काम जीना है उसी का नाम जीना है उसी का नाम आए जो किसी के काम। अम्मी जान अम्मी जान। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी बेटे। तुम जरा दरवाजा बंद करो। हाँ हाँ पर इसे अंदर कहाँ ले जा रहा है। वो जरा दरवाजा तो बंद करो। अरे बेटा आजा आजा शाबाश। देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। बस समझ ले उसकी मेहरबानी हुई ऐसी जगह पहुंच गया जहां दौलत का अंबार लगा है। अंबार हाय अल्लाह इतनी दौलत। अम्मी इन सबको संभाले का इंसाफ कीजिए। अगर किसी ने देख लिया तो फिर कंगाल के कंगाल इन सबको गिन के नहीं तोल के गड़ा खोद के दबा देती है। ओहो लेकिन ये गिनने और तोलने की जरूरत ही क्या है। अरे अली तू नहीं समझता दौलत चाहे कितनी भी हो उसको संभाल कर रखी। हाँ अम्मी अम्मी आप जाके तराजू ले आइए जल्दी। तराजू लीजिए लेकिन जल्दी वापस कर जाइएगा। जल्दी ही वापस ले आऊंगी। अच्छा। लो बेटे लो। आहिस्ते आहिस्ते लेकिन सवाल ये है कि आधी रात को तराजू मांगने क्यों आए। ऐसी कौन सी चीज उनके घर आ गई जिसका रात को ही तोलना जरूरी था। देखा यही जानने के लिए मैंने तराजू के पलड़े के नीचे मोम लगा दिया है। अब जो चीज वो तोलेंगे पलड़े के नीचे लगी मोम से चिपक जाएगी और हमें मालूम पड़ जाएगा। क्यों जी अरे फिर सो गए। आइए आइए मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। अच्छा मैं चलती। हाँ हाँ
सोने की अशरफी,